या आप देख सकते हैं हेलो गाइस, मेरा नाम है भरत और हमारे सामने खड़ी है ग्रेडर मशीन जो कि रोड एंड कंस्ट्रक्शन बनाने के काम में आती है। आज मैं आपको इस ग्रेडर मशीन की पूरी डिटेल दूंगा, जो इस मशीन को चलाते हैं उनसे भी मिलाऊंगा, इस मशीन की सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। तो चलते हैं इसके ग्रेडर के ड्राइवर के पास और जानते हैं इसकी डिटेल के बारे में। सर, आपका नाम और इंट्रोडक्शन। सर, मशीन के बारे में कुछ बताइए। ग्रेडर मशीन है ये अपना रोड का जो सारा सरफेस है वो नीचे डेवलप होता है। एमसीसी कंपनी की मशीन है ये। एमसीसी कंपनी की मशीन है ये। सारा रोड का जो सरफेस है ना वो इसी से तैयार किया जाता है। रोड का सरफेस इस ग्रेडर मशीन से तैयार किया जाता है, सर बता रहे हैं। और सर, इसके टायर के बारे में कुछ बताइए। इसके टायर हैं 14-24 के टायर चलते हैं इसमें। बड़े इसमें बड़े टायर हैं 14-24 के। 14-24 के टायर है इसमें। इसमें आपको ग्रेडर मशीन में बड़ी बड़ी लाइटें दी गई है जो कि आप देख रहे हैं। ये अपना रिपर है ये। हाँ, रोड को समतल करते हैं एकदम। और सर, इसके स्टीयरिंग के बारे में कुछ बताइए। मतलब पावर स्टीयरिंग दिया गया है। इसके स्टीयरिंग के पंप को आप देख सकते हैं। इस मशीन ग्रेडर मशीन में आपको पावर स्टीयरिंग मिलती है और उस साइड में भी दिया हुआ है पावर स्टीयरिंग मिलती है, जिससे कि ड्राइवर आसानी से इसको मोड़ सके, कोई भी परेशानी नहीं हो, मतलब आसानी से घुमा सकते हैं। अभी मैं आपको सामने से लुक दिखा देता हूं इस ग्रेडर मशीन की पूरी फ्रेम में। येलो कलर में ये मशीन आती है जो कि आप देख रहे हैं, और इसकी कीमत भी काफ़ी होती है। आगे मैं आपको इसकी कीमत भी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको इस साइड से लुक दिखा देता हूं। ये वाली बीच की इस ब्लेड के एंगल को हम यहाँ से मतलब इससे एडजस्ट होती है, मतलब चेंज होती है। सर, ये बता रहे हैं ये लगी हुई है ना, स्विंग मोटर बोलते हैं इसको, स्विंग मोटर बोलते हैं ये जो लगी हुई है बीच में। इससे हम अपने ब्लेड को जो किसी भी एंगल में जो है एडजस्ट कर सकते हैं। इस स्विंग मशीन की मदद से इसके ब्लेड के एंगल को चेंज किया जा सकता है, किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है, और इस ब्लेड से ही रोड को समतल किया जाता है जो कि आप देख रहे हैं। सर, यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है? ये एरो लगी हुई है इसमें यहाँ। और यहाँ पे सर ये किस चीज़ के हाइड्रोलिक लगे हुए हैं? ये मास्टर सिलेंडर लगे हुए हैं। इन्हीं की मदद से ये मुड़ती है। ये इसका स्टीयरिंग है। हाँ, इस ग्रेडर मशीन का स्टीयरिंग दे सकते हैं इसको, अपने हाइट के अकॉर्डिंग आगे पीछे किया जा सकता है। आगे पीछे एडजस्ट करके हम जो हमें आसान हो इसको चलाने में आसानी हो। जैसे देख सकते हैं आप सर, इसको एडजस्ट कर रहे हैं। और अभी मैं आपको ऊपर से भी लुक दिखा देता हूँ इस मशीन की। या आप इसकी ऊपर से लुक दे सकते हैं, इसमें पावर स्टीयरिंग दी गई है जो कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे इसके लाइट के एंड कंट्रोल मिलते हैं बहुत से, 1000 लैंप के कंट्रोल। और सर, ये किस चीज़ के लीवर दिए गए हैं? ये लीवर दिए गए सारे बच्चों के लिए, मास्टर सिलेंडर के लिए। ये लेवल करने के काम आते हैं, हमें लेवल करना होता है। और इस साइड में ये किसके कंट्रोल है सर? ये सब इसके साथ जितने भी मास्टर सिलेंडर है ना, ये मतलब आगे के मास्टर सिलेंडर के कंट्रोल दिए गए हैं। और यहाँ पे इसका मीटर दिया गया है जो कि आप देख रहे हैं, फ्यूल का मीटर, टेम्परेचर का मीटर, बैटरी का मीटर, और भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है सामने जो कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे नीचे आरपीएम का मीटर दिया गया है, और नीचे इसमें ब्रेक एंड क्लच दी गई है जो कि आप देख रहे हैं। ये इसका गियर लीवर है, ये इसके यहाँ पे गियर का लीवर दिया गया है इस मशीन का। इसको हम ये फॉरवर्ड के लिए और ये रिवर्स के लिए, मतलब रिवर्स एंड फॉरवर्ड गियर लगाने के कंट्रोल दिए गए हैं। और पार्क का मोड भी यहीं पे, पार्किंग का, मतलब बीच में यहाँ पे पार्क होता है।
और यहाँ पे एक सीट मिलती है जिससे भी कि ड्राइवर आसानी से यहाँ पे बैठ सके, और थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। और नीचे के फ्लोर को देख सकते हैं, काफ़ी ऊंची ये मशीन है जो कि आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी इसकी हाइट है। और सामने की आप लुक देख सकते हैं इस मशीन की, और ऊपर आपको लोहे की पूरी छत दी गई है जो कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आपको मिरर दिए गए हैं बड़े बड़े दोनों साइड में, जिससे कि ड्राइवर आसानी से पीछे का देख सके, कोई भी परेशानी नहीं हो। और इसमें कितने गियर आते हैं सर? इसमें 8 गियर जो है वो फॉरवर्ड है और रिवर्स में 6 गियर आते हैं। 8 फॉरवर्ड के और 6 रिवर्स के इसमें आपको गियर मिल जाते हैं। काफ़ी भारी भरकम और पावरफुल ये मशीन है। और अभी इसके इंजन के बारे में भी आपको बता दूंगा, भारी भरकम मशीन के इंजन के बारे में बता देता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे इंजन लगा हुआ है, इसमें कैटरपिलर का उन्होंने अपना इंजन लगवा रखा है। तो मतलब कि और किसी कंपनी का नहीं लगाते, वो खुद का इंजन जो है इसमें लगाते हैं। ये इंजन जो है वो 6 सिलेंडर ही होता है, 6 सिलेंडर का इसमें इंजन लगा हुआ है, 6 सिलेंडर होता है। काफ़ी ज़्यादा पावर होती है इसमें, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये इंजन है। और 6 इसमें टायर लगे हुए हैं जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और आगे भी लगे हुए हैं, 3 इस साइड 3 उस साइड टायर लगे हुए हैं। इंजन के बारे में सर कुछ बताएंगे आप? इंजन के बारे में इसमें 6 सिलेंडर इंजन है ये, और 145 हॉर्स पावर का इंजन है इसमें, 145 एचपी का। इसमें मतलब कि हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, जैसे कि कैसे भी रास्तों पर यह मशीन आसानी से चल पाती है, और रोड का और कंस्ट्रक्शन का काम आसानी से कर पाती है। अभी मैं आपको इस मशीन की इंजन की साउंड भी सुनाऊंगा, और आप देख सकते हैं इसके रियर की लुक भी। इसमें आपको रियर में लाइटें दी गई है जो कि आप देख रहे हैं, और क्वार्टर पिलर लिखा गया है, और येल्लो कलर में ये मशीन है जो कि आप देख रहे हैं, काफ़ी भारी भरकम। अभी मैं आपको इस मशीन के इंजन की साउंड भी सुना देता हूँ। काफ़ी बड़ा इसमें साइलेंसर लगा हुआ है, इस साइड से भी आप मशीन को देख सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े इसमें टायर लगे हुए हैं, 6 चक्कों की ये मशीन है, और यहाँ पे इसमें नीचे ब्लेडें लगी हुई है। पावर स्टीयरिंग आपको इस मशीन में मिल जाती है। सर इसके इंजन की साउंड, हाँ सर इस मशीन को स्टार्ट कर रहे हैं, 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है इसको, पहले इसकी बीप के बाद स्टार्ट, पहले इसके 3 सेकंड इग्निशन को ऑन करने के बाद में 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है, फिर ये मशीन स्टार्ट होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैट की भी बेजिंग मिल जाती है, और अभी ये मशीन स्टार्ट हो गई है। इसके इंजन की आप साउंड सुन सकते हैं, और यहाँ से इसकी ब्लेड को सर एडजस्ट कर रहे हैं जो कि आप देख रहे हैं। इस ब्लेड को आसानी से घुमाया जा सकता है, बीच में जो फंक्शन दिया गया है उसकी मदद से। और मशीन के इंजन की आप साउंड सुन सकते हैं, पूरी फ्रेम में आप मशीन को मैं दिखा रहा हूँ। सर इसकी ब्लेड को घुमा रहे हैं आसानी से, ऊपर बड़े बड़े हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं काफ़ी भारी भरकम, जिससे कि इस ब्लेड को किसी भी एंगल में घुमाया जा सकता है। रोडों को समतल करने में यह मशीन काम आती है जो कि मैं आपको पूरी फ्रेम में दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इस मशीन को, और सामने आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, कंस्ट्रक्शन का काम करने में काफ़ी यूज़ होती है। और 2 से 3 करोड़ की कीमत में यह मशीन मिलती है, जो कि आप देख सकते हैं ज़्यादातर तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है वही इस मशीन को लेती है। आप देख रहे हैं सर इसको एडजस्ट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, और आगे के टायर को भी सर घुमा रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े इसमें टायर लगे हुए हैं, यहाँ से सर इसको एडजस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको कैट की बेजिंग मिल जाती है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा इसमें साइलेंसर दिया गया है जो कि आप देख रहे हैं, काफ़ी भारी ये मशीन है। यहाँ पे इसके सारे ये आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ब्लेड को मशीन ने पूरा उठा दिया है। आप देख सकते हैं किसी भी एंगल में इसको घुमाया जा सकता है, इस ब्लेड से रोड को समतल किया जाता है, काफ़ी भारी भरकम ये मशीन है।